हेलो दोस्तों, रत्ना विजन में आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ। उससे पहले, खुशखबरी देने से पहले, पहले ये काम करो, गाड़ी हमेशा ऐसे साफ करो, कभी भी वाइपर्स पानी के साथ नहीं चलाने चाहिए। अगर आप अपने विंडशील्ड को अच्छी तरह बचाना चाहते हो तो आप, बाकी आपकी मर्जी है, अगर आपके पास समय नहीं है तो। अभी चलते हैं एक जगह, फिर वहाँ देखो टाइटल में तो पता चल ही जाएगा, लेकिन अभी बातें जो शुरू हुई हैं मेरी वो घर से शुरू हुई हैं, टाइटल बाद में आएगा। तो बाकी चलते हैं। पंजाब में जो है गर्मी 32 के आसपास पहुंच गई है, और अभी देखो हाल बुरा हो गया, एसी गाड़ी के एसी भी अब चलने शुरू हो गए। वैसे तो एसी आजकल सर्दियों में भी चलते हैं, क्योंकि नई गाड़ियों में सब ऑटो आ गए हैं, तो उसमें टेम्परेचर वगैरह सारा कुछ आता है उसमें, तो वो हीट और कूल को मिक्स कर देता है। ये सामने देखो गार्ड लग गए, लोहे के गार्डर्स लग गए हैं, और जो लाइन है जलंधर से होशियारपुर वाली वो पूरी रेडी हो गई है, ये खुशखबरी है। और ये सामने जो आपको दीवार दिख रही है दोनों तरफ, ये दीवार आप सबको जो होशियारपुर लोग यहाँ के वासी हैं उनको पता है कि यहाँ पर कितने सालों से जदोजहद चल रही थी, यहाँ पे इतना कूड़ा करकट था, उसकी सफाई हो गई है। ये देखो दोनों तरफ अब दीवार है। तो पहले क्या करते थे लोग, क्योंकि हम में से कुछ लोग हैं, सुबह अपनी ड्यूटियों पर जाना है तो अपना घर से रात का जो भी गार्बेज होगा वो इकट्ठा करके ले आते हैं और फेंक देते हैं सुबह जाते जाते ड्यूटी पर, जहाँ रात को सैर करने आते हैं तब फेंक जाते हैं। तो हमारे ही ऐसी जनता बहुत है ऐसे गंदे काम करने वाली, तो वो चीज। दीवार देखो कितना सुंदर हो गया है। तो अब ये जो रास्ता साफ सुथरा हो गया है, अब यहाँ पर विषाणु जो कीटाणु है वो नहीं फैलेंगे, जो लोग रोज सफर करते हैं यहाँ से इस रोड से, तो उनको ये बीमारियों से बचाव हो गया और सुंदरता भी बढ़ती है शहर की। तो दोनों तरफ ये प्रोटेक्शन के लिए, वायर की प्रोटेक्शन के लिए जो गार्ड लगे हुए हैं दोनों, सामने लग गया जी सिक्योरिटी कैमरा। ये देखो सामने कैमरे लग गए हैं, लेकिन इन्होंने ये पिलर छोटा रखा हुआ है, बड़ा थोड़ा सा चाहिए विजिबिलिटी के लिए। और अभी भी पीछे भी एक दो दिन पहले भी यहाँ पर रात को जो है प्रॉब्लम आई। देखो दोनों तरफ ना भांग है, झाड़ियाँ हैं कितनी सारी, तो रात को अभी लाइटिंग यहाँ पर प्रॉपर नहीं है, तो उसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर नशेड़ी जो है अटैक करते हैं। मतलब पिछले दो तीन दिन पहले भी एक बंदे के साथ हो चुका है, लेकिन उसने हिम्मत करी तो मतलब कि निकल आया उस स्थिति से। तो ये देखो वहाँ पर खंभे लगे हुए हैं वायरिंग का, वो सामने देखो सारे पोल लग गए हैं, ट्रेन है, इलेक्ट्रिक ट्रेन है, मज़ा आ गया देखकर। और पर ये है कि ये जो ट्रेन है ना, सिर्फ होशियारपुर एक्सप्रेस आगरा जो जाती है उसी को ही अभी इलेक्ट्रिक का मिला है, बाकी अभी जो लोकल चल रही है वो डीएमयू है डीजल वाले। तो मेरे को लगता है धीरे धीरे ये भी सॉल्व हो जाएगा सारा। वो देखो सामने ट्रेन खड़ी है दिल्ली वाली, जो जाते हैं उनको तो पता ही हो वो दिल्ली वाली ट्रेन जा रही है। और यहाँ पर पूरा का पूरा जो रोड है वो सारा कंक्रीट का हो गया है, सीमेंट का, और ये टाइलें लगेंगी आसपास, लेकिन झाड़ियाँ भी बिल्कुल साफ करानी चाहिए जी, बहुत ही अनसेफ है रात के लिए, क्योंकि लाइटिंग प्रॉपर नहीं है अभी यहाँ पर। अगर लाइटिंग प्रॉपर होगी तो फिर बढ़िया हो जाएगा। और ये बन रहा है रेलवे स्टेशन का बाकी का, अभी जब पूरा हो जाएगा ना फिर मैं एक बार दिखाऊंगा आपको, फिलहाल इतना ही सही है। तो आप नजदीक से देख लो कैसा डिजाइन हो रहा है तैयार, अब मतलब कि बाकी शहरों के साथ ही मिल जाएगा इसकी लुक भी, तो सुंदर लग रहा है अब, फिलहाल सुंदर लग रहा है, जब बन जाएगा तो और सुंदर हो जाएगा। चलो, और मेरा कहने का मतलब है कि ये 24 मार्च से स्टार्ट हो गई है जो दिल्ली आगरा वाली ट्रेन है, तो आप एंजॉय कीजिए। अब होशियारपुर से सीधी इलेक्ट्रिक ट्रेन जाएगी, बाकी फर्क तो किसी को नहीं पड़ता, पहले डीजल में जाते थे जलंधर तो किसी को पता थोड़ा लगेगा, ये तो हमारी एक अंडर फीलिंग और हमारी एक एक्सपेंशन है कि हमें होशियारपुर में इलेक्ट्रिक का हो गया है। अदरवाइज आम सोचा जाए तो ट्रैवलिंग ही करनी है ना, लेकिन अगर सोचा जाए तो एक बहुत बड़ी तरक्की है होशियारपुर की कि हमारे पास ये एक स्पैन आ गया है इलेक्ट्रिक का। आप दोनों तरफ देख सकते हो कितनी हरियाली है, अभी जून जुलाई अगस्त में कितना बुरा हाल हो जाएगा जब बारिश होगी और ज़्यादा मतलब कि घना हो जाएगा हरियालापन, तो इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। ये साफ हो जाए तो रेलवे स्टेशन भी सुंदर दिखेगा दूर दूर से, और सफाई के कारण सेफ्टी भी हो जाएगी। और रोड देखो यार, बाकी छोड़ो, रोड का मज़ा आ गया इतना, अब लगता है क्योंकि पहले इतने गड्ढे रहते थे ना, मतलब बुरा हाल था। ये रेलवे स्टेशन तक पहुँचना चाहिए जो थोड़ा सा, ये कितना होगा 200-300 मीटर का ही होगा ये फ्रेम,
मतलब कि हालत खराब हो जाती थी, मतलब गाड़ी स्कूटर टू व्हीलर का तो बुरा ही हाल था, गाड़ियां भी मतलब कि एक टायर ऊपर एक टायर नीचे, जिग जैग वाला काम ये था। सिक्योरिटी वाला लग तो गया है, लेकिन सिक्योरिटी करे प्रॉपर तभी मजा आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ चीजें लग तो जाती हैं लेकिन उनका मेंटेनेंस और ऑपरेशन कभी नहीं होता। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर बंद, फिर आगे मिलते हैं कोई नए ब्लॉग के साथ।